एक चीज होती है आदत, क्या आदत, इंग्लिश में आप इसे हैबिट बोलते हो और संस्कृत में इसे संस्कार कहते हैं, है ना। हिंदी में आदत, इंग्लिश में हैबिट और संस्कृत में संस्कार। मुश्किल से मुश्किल काम भी संस्कारों के द्वारा आसान हो सकता है। एक महारानी थी, वो एक छोटे बछड़े को उठा के रोज ऊपर ले जाती। धीरे धीरे बछड़ा बड़ा होने लगा, लेकिन वो ले गई। क्यों? क्योंकि रोज ले जाने की आदत थी उसे, वो अभ्यास हो गया था, वो धीरे धीरे वजन बढ़ा था, संस्कार आ गए थे, है ना। ऐसे ही बच्चा जब पढ़ता नहीं है तो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा एक एक अक्षर मिला के पहले कहते का खा गा, फिर कहते इसमें आ जोड़ का खा, फिर कहते इसको मिला के पढ़ खा ना जा ना, और धीरे धीरे बहुत कुछ आ जाता है ना, है ना। तो संस्कार, अभ्यास, आदत के द्वारा बड़े से बड़े काम सहज हो जाते हैं, बुरी से बुरी चीज़ भी अच्छी लगने लगती है, है ना। कैसे, अब शराब का स्वाद कैसा है, अच्छा है या खराब है? खराब है। शराब का स्वाद नेचुरली भले ना पी हो, लेकिन जो पीने वाला है उससे पूछोगे तो ये कहेगा कि पहला अनुभव जो होता है वो तो खराब ही होता है। पहली बार जब मुंह में शराब जाती है तो ऐसा लगता है बस थूक दो, जो सुना है मैंने। लेकिन फिर भी लोगों को देखते ना, शराब पीने के बाद बड़ा नशा चढ़ता, अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे आदत के द्वारा वो शराब भी अच्छी लगने लगती है। जो सिगरेट पीने वाले हैं, पहली बार जब पीते हैं तो कहीं खांसी आती है, बाहर आता है, मुश्किल से होता, और धीरे धीरे आदत के द्वारा उसकी भी आदत बन जाती है, है ना। तो आदत के द्वारा कुसंस्कार पड़ जाते हैं और आदत के द्वारा सुसंस्कार भी पड़ सकते हैं। रहने की आदत, किसी को बड़े घर में रहने की आदत है, है ना। यदि उसे छोटे घर में रखा जाए, मेरा तो दम घुट रहा है, मैं नहीं रह सकती यहाँ पर, मुझे तो बड़ा घर चाहिए, मैं इस छोटे घर में नहीं रह सकती हूँ। जैसे छोटे घर में रहने की आदत है, इतना बड़ा घर कैसे साफ करूँगी, मैं नहीं रह सकती बड़े घर में। क्यों? आदत। क्यों? आदत, है ना। खाने की आदत, भाई हम लोग तो MP वाले हैं, हम लोग तो पतली रोटी खाते हैं, हमें तो मोटी रोटी खाने की आदत नहीं है। अभी UP वालों की सुनो, ये क्या कागज़ सी रोटी बना के रख दी है, ये भी कोई रोटी है क्या? जब तक इसमें वो गदर गदर सी वो नहीं होगी, तब तक कैसे खाई जाएगी, अच्छी कैसे लगेगी, मोटी रोटी बना। महाराष्ट्र वाले कहेंगे दाल में पानी डाल तो सही, ये क्या दाल दाल दिख रही है, पानी तो डाल। UP वाले कहेंगे इतना पानी डाल दिया दाल में। क्यों? आदत। जिसको बचपन से जैसी आदत डाल दी गई है उसे वैसा ही अच्छा लगने लगा है, है ना। बचपन में जो फल खाए हैं, जवानी में बुढ़ापे में वही फल अच्छे लगते हैं। नए मिल जाए भले खाने के लिए शौक में भरे खा लो, लेकिन लगते तो पुराने ही अच्छे हैं, क्योंकि बचपन में वैसे संस्कार मिल चुके हैं, जीव को वैसा स्वाद मिल चुका है। अब राजस्थान वाले हैं,
जब तक सब्जी मिर्ची से लाल ना हो जाए। अरे बोलिए ना, तब तक इनके गले से नहीं उतरती। क्यों? बचपन से वैसी खाई है ना, बचपन से वैसा खाया है तो वैसी आदत पड़ गई है। अच्छा मीठा हो तो जब तक चाय में दो चम्मच, एक चम्मच में काम चल सकता है, मगर तीन चम्मच चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मीठी पीने की आदत पड़ गई है ना। आदत क्या कहते हैं इसे, रोज़ 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 कोई काम करोगे तो वो आदत बन जाती है, और फिर उस आदत को छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस आदत को छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो हर चीज़ की आदत होती है। जब आदत से हमारे काम हो सकता है तो बुरी आदत क्यों डालें, अच्छी आदत डालें ना। किसी को गुस्सा करने की आदत होती, बार बार में बात बात में चिड़चिड़ सारे दिन, और किसी को शांति से रहने की आदत होती है, और गुस्से वाले के साथ कोई रहे तो फिर उसे भी गुस्सा करने की आदत पड़ जाती है। जैसी संगत वैसी रंगत, और गुस्से वाले के साथ रहेगा तो वो जवाब भी गुस्से में देगा, क्योंकि वो कैसे, क्योंकि ये तो करंट है, एक को गुस्सा आया दूसरे में घुस जाता, उसको करंट लगा वो भी वैसे ही बोलेगा, है ना। और किसी को ईर्ष्या करने की आदत होती है, किसी को निंदा बुराई करने की, बस दो जने मिल जाएं, उसकी बेटी ऐसी, उसकी बहू ऐसी, उसकी ये ऐसी, मेरी सास ऐसी, मेरी बहू ऐसी, वो बस शुरू हो जाती है। और किसी को आदत होती है धर्म चर्चा करने की, कहीं यदि बुराई करता भी ये चुप ना पहले मेरी बात सुन ले, वो धर्म चर्चा शुरू कर देती। आदत है ना, आदत से बुरी अच्छी बन सकती है और अच्छी बुरी बन सकती है। तो आदत इंसान के जीवन में बहुत बड़ी शक्ति है। क्या है? शक्ति है, और इसे हम कहते हैं संस्कार, सुसंस्कार और कुसंस्कार। कुसंस्कार यानी बुरी आदत, और सुसंस्कार यानी अच्छी आदत। एक कीचड़ में सुअर आराम से सो रहा था, नाली की जो कीचड़ होती ना, आराम से सो रहा था। वहाँ से स्वर्ग के एक जोड़ा निकला, देव और देवी का। देवी ने कहा, ओह बेचारा देखो कितनी गंदगी में पड़ा है। क्या बेचारा, बेचारा कितनी गंदगी में पड़ा है, हमारे स्वर्ग में कितनी साफ सफाई है। ऐसा करो, इसको यहाँ से हम स्वर्ग ले चलते हैं। कितना दुखी है बेचारा, कितनी गंदगी में रहता है। सुअर के पास गए, बोले भाई निकल इस गंदगी से बाहर, चल हमारे साथ, नहा धो पहले फिर हमारे साथ चलना। कहाँ चलना? हमारे साथ स्वर्ग चलना। क्या है वहाँ पर? अरे वहाँ सुंदर सुंदर महल हैं, बाग बगीचे हैं, सुंदर सुंदर मकान हैं, सुंदर सुंदर रास्ते हैं, बहुत साफ सुथरा है, तू यहाँ कैसे गंदगी में पड़ा। बोले ये बताओ, वहाँ ये नाली वाली कीचड़ है कि नहीं है? यदि ये नाली वाली कीचड़ हो तो मैं चलूँ, नहीं तो मैं वहाँ मैं कहाँ रहूँगा। आदत, क्या आदत, उसको क्या आदत पड़ गई है, कीचड़ में रहने की आदत पड़ गई है। ये आदत बड़ी बुरी चीज है। वैसे तो अच्छी चीज भी है, आप रोज रोज मंदिर आते हैं, है ना, ये भी क्या है, आदत, ये अच्छी बात है। आप मंदिर आने की आदत है, साधु संत आते हैं, उनके प्रवचन भी सुन लेते हैं, ज्ञान भी मिल जाता है, विधान भी हो जाता है, भक्ति भी हो जाती है। मंदिर आने की आदत है ना, बिना चाहे जो काम हो उसको कहते हैं आदत। सो के उठते हैं, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपकी आदत है, नहाए धोए मुट्ठी में चावल लिए सीधे मंदिर आ गए। क्यों? आदत है। किसने डाली? बचपन से हमारे परिवार ने डाली, हमारे घर वालों ने डाली, है ना। तो ऐसी आदत तो अच्छी आदत हो गई कि जो आपको
अच्छे काम करने का प्रयास नहीं करना पड़ता है, हो जाता है। लेकिन बुरी आदत, गाली देने की आदत लोगों की होती कि नहीं होती है? कई जिनको गाली देने की आदत होती है वे बेचारे मेरे सामने आके बैठ नहीं पाते, वो बाहर के बाहर विदा हो जाते हैं। क्योंकि यदि माता जी के सामने बैठेंगे और मुंह को आदत पड़ी है तो गलती ना हो जाए। यानी ऐसी बुरी आदतें साधु संतों से दूर कर देती हैं, अच्छे लोगों की संगति से दूर कर देती कि मेरी बुरी आदत है, मैं नहीं जा रहा भाई वहाँ पर, मैं जाऊँगा मेरे से गलती हो गई तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, बेचारा वो आके नहीं बैठ पाता है यहाँ पर, क्यों? अरे बोलिए ना, कौन सी आदत? बुरी आदत। किसकी? गाली देने की, है ना? तो जो आदत हमें बुरी बनाती है, बुरा बनाती है, उन आदतों को जीवन में छोड़ना जरूरी है। अज्ञानता में पड़ गई, गुटखा खाने वाले हैं, अब पता नहीं था कि गुटखा खाना क्या होता, सब खाते थे, हम भी खाने लगे, हम नहीं मतलब जो लोग होते हैं हाँ, बचपन में दोस्त दोस्त खाते थे, एक दोस्त ने दूसरे को शुरू करवा दी, दूसरे ने तीसरे को शुरू करवा दी, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को, और सारे के सारे गुटखा खाने लगे। अब माता जी के पास जाएंगे तो माता जी कहेंगे गुटखा छोड़ो, और छोड़ सकते नहीं हैं, इसलिए साधु संतों को छोड़ सकते हैं मगर गुटखा नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैं किसी को कहती नहीं गुटखा छोड़ो। यदि कभी कभी साधु संतों के पास आप गए, पता नहीं वो दिन कौन सा होगा कि आपका गुटखा अपने आप छूट जाए, है ना? और मैंने गुटखा छुड़ाने के चक्कर में तुम आने ही छोड़ दो तो तुम्हारा फिर तो कभी छूटेगा ही नहीं, फिर तो संभावना ख़त्म हो जाएगी। और फिर इसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो गुटखा छोड़ते हैं, फिर भी छोड़ते हैं लोग आकर के, क्योंकि उन्हें लगता है कि वास्तव में, क्योंकि जब आईना देखते हैं ना तो पता चलता कि कहाँ कहाँ दाग है। क्या आईना देखने के बाद पता चलता कि कहाँ कहाँ दाग है, और साधु संतों के सामने बैठने के बाद पता चलता है कि कितनी तुम्हारे अंदर में कमियाँ हैं। मुझे पता चले ना चले मगर आपको खुद तो पता चल ही जाता है कि क्या क्या करते हैं। देखो साधु संत कैसे रहते हैं, इसके बिना भी रहते हैं, इसके बिना भी रहते हैं, इसके बिना भी रहते हैं, और हम देखो कैसे पापी हैं कि कीचड़ में फंसे पड़े हैं। तो साधु संत आईना है, क्या है? आईना है। और जब आके आईना देखते हो, यहाँ बैठते हो, प्रवचन सुनते हो, ज्ञान सुनते हो, तो पता चलता है कि जीवन में कितनी कमियाँ हैं, कितनी बुरी आदतें हैं, और इन आदतों को छोड़ने के भाव भी पैदा हो जाते हैं। बंधुओं, एक मनुष्य जन्म ही ऐसा जन्म है जिसमें बुरी आदत को छोड़कर अच्छी आदत को डाल सकते हैं। पशु गति में छोड़ सकते हैं क्या बुरी आदत? वहाँ है ही नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, उनकी भाषा में कोई प्रवचन देने वाला नहीं है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है, उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, उन्हें कोई स्वर्ग का, मोक्ष का, आत्मा का रास्ता दिखाने वाला योग्यता नहीं है उनके अंदर। यदि हम मिल भी गए, मान लो कुत्ता बाहर बैठा है और हम मिल भी गए, तो क्या वो समझेगा मेरी भाषा को? लेकिन कुछ कुछ है तो उनका मन भी है, उनकी पांच इंद्रियां हैं, संगी जीव हैं, कई बार कुछ त्रयंचों को भाव ज्ञान हो जाता है और वो सुधर भी जाते हैं। एक कुत्ता जहाजपुर में रहता था, और जिस समय वो कोरोना लगा था तो उस समय प्रवचन में करीब 10-15 लोग होते थे वहीं के, क्योंकि बाहर वालों की तो एंट्री बंद थी, तो वो कुत्ता रोज प्रवचन सुनता था आकर के रोज। और जैसे फिर कोरोना ख़त्म हुआ और फिर भीड़ आने लगी, फिर बेचारा आना बंद हो गया उसका। लेकिन जब तक कोरोना रहा रोज प्रवचन सुनता था, रोज आके बैठता था,
और प्रवचन खत्म हुआ और अपना उठ के चल देता था। ऐसा लगता था कि इसका भाव ज्ञान जाग, लेकिन हर त्रियंच के साथ में ऐसा नहीं होता, बहुत हजारों करोड़ों में कोई एक, सबके साथ नहीं होता है, लेकिन मनुष्य में सबके साथ हो सकता है। मनुष्य के पास हे उपादेय का ज्ञान है, सोचने समझने की बुद्धि है, आगे बढ़ने की क्षमता है, बुरी आदत छोड़ने की शक्ति है, बुरी आदत छोड़ने की शक्ति है उसके पास में, है ना। एक संत थे, उनके पास एक बिल्ली रहती थी, तो वो क्या करते थे, जब वो रात को शास्त्र पढ़ते तो बिल्ली के सिर पे दीपक रख देते, बिल्ली बड़ी शांति से बैठी रहती, बड़ी शांति से बैठी रहती, बिल्कुल नहीं हिलती, और उनका शास्त्र स्वाध्याय चलता रहता, वो अपना स्वाध्याय करते रहते, कई अन्य सन्यासी की बात है। अच्छा, तो फिर एक दिन क्या हुआ कि जिस समय बिल्ली के सिर पे दीपक रखा था, सामने एक चूहा आया, तो बिल्ली के कान, अरे बोलिए ना, खड़े हो गए, बिल्ली की आंखें घूमनी शुरू हो गई, और जैसे ही वो चूहा सामने आया, अब कहाँ का शास्त्र, कहाँ का स्वाध्याय, कहाँ का सन्यासी, उन्होंने तो ले झपट्टा मारा। बात समझ में आई कि नहीं? ये बताना चाहती हूँ कि पशु गति में हम बुरे संस्कार नहीं छोड़ सकते। एक मनुष्य शरीर, मनुष्य गति, मनुष्य आयु ही ऐसी चीज है जहाँ बुरे संस्कार छोड़ सकते हैं। हमारा जन्म तो बुरे संस्कार के साथ में होता है, लेकिन मरण हमारा अच्छे संस्कारों के साथ हो सकता है, ऐसी हमारे अंदर सामर्थ्य है और शक्ति है। जन्म की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अनंत काल के संस्कार हैं। कितने दिन के संस्कार हैं बुरे संस्कार? अनंत काल के हैं। अब उन अनंत काल के संस्कारों को केवल यही मिटा सकते हैं हम। मेरे सामने शास्त्र समय सार रखा हुआ है, समय सार की समय सार का चौथी जो गाथा है उसमें लिखा है, सुई परिचिदाणु भूदा सवस्य भी काम भोग बंधि कहा ए अत सुविलंभो णवरीणा सुलभो विहतस्य। सुई परिचिदाण भूदा, सुई श्रुत में आई है, सुनने में आई है, सुई परिचिदाण परिचय में आई है, अनुभूदा अनुभूति में आई है, काम भोग और बंध की कथा। किसकी कथा? काम और भोग, स्पर्शन इंद्री और रसना इंद्री के जो विषय हैं, जो भोग हैं, उसको कहते हैं काम, और जो चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री और घ्राण इंद्री के विषय को कहते हैं भोग, काम और भोग, है ना। सुई परिचिदाणु भूदा सवस्य भी काम भोग बंध कहा, और ये बंध की कथा है, इससे पाप कर्मों का बंध होता है। किसका बंध होता है? पाप कर्मों का बंध है। काम भोग बंध कहा, तो आज तक अनंत काल से सुनने में आई है, परिचय में आई है और अनुभूति में आई है काम भोग बंध की कथा। कौन कह रहा है? आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं? कि जो ये संसार काम और भोग में लगा है, ये पहली बार नहीं कर रहे हो, ये सारे काम कोई आज नया नहीं है, ये हर बार जब खाते हैं, हर साल जब आम आता है तो लगता है बड़ा स्वाद आ रहा है, बीच में 6-7 महीने का गैप हो गया ना, अब आम आया तो बड़ा अच्छा लगता है, नया सीजन का आम है, बिल्कुल नया आम है। कितने बार खा चुके हैं आम? बचपन से खाते आ रहे हो, आदत पड़ी है खाने की। ऐसे ही काम और भोग की जो आदत है वो अनंत काल की आदत है। ये सारी कथाएं हमने सुनी हैं,
परिचय में आई हैं और अनुभूति में आई हैं, है ना। अब लोगों को सीरियल क्यों अच्छे लगते हैं, उसमें क्या है, काम भोग और बंध की कथा। देखो चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, सीरियल का नाम लेते, ये अनुभूति बोल रही है, ये चेहरे का मुस्कुराहट ये आना ये क्या है, ये अनुभूति है। जो काम तुम घर में करते हो वही काम सीरियल में हो रहा है ना। जो काम तुम घर में करते हो वही काम सीरियल में हो रहा है, जो काम तुम घर में करते हो वो चीज प्रवचन में नहीं हो रही है, इसलिए वो तुम्हें नीरस लगता है, इसलिए तुम कहते क्या है दिन भर प्रवचन 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 सुनो। क्यों? ना तो तुमने सुना है, ना तुम्हारे अनुभव में आई है और ना तुम्हारे परिचय में आई है। ए अत्तस्व लंभो, एकत्व और विभक्ति की कथा, नवरीन सुलभो विहत्तस्य, ये कभी भी सुलभ नहीं है। आज खाने की चीज, आप मोबाइल उठाओ, मोबाइल खोलो, खाने की चर्चा, लाइन लग जाएगी। बिना चाहे भी तुम्हारे मोबाइल में खाने की चीज आती रहती है, बिना चाहे भी तुम्हारे सुनने की चीज आती रहती है, बिना चाहे भी बाजार उसमें खुलता रहता है। बोलिए हाँ या ना, सुलभ है। किसी पान के ठेले पर खड़े हो जाओ, हैं किस कहीं खड़े हो जाओ, कौन सी कथा है, चाहे टीवी खोल लो, कुछ भी खोल लो, काम भोग और बंध की कथा मिलेगी हर जगह। घर में सास बहू, काम भोग बंध की कथा, फिर पड़ोसन के साथ काम भोग बंध की कथा, सहेलियों के साथ काम भोग बंध की कथा, किट्टी में काम भोग बंध की कथा, राजनीति में काम भोग बंध की कथा, स्कूल में करने जाते हैं पढ़ाई और करते हैं काम और भोग, दोनों तरह का स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इसको कहते हैं काम और भोग। इसके विषय को कहते हैं काम और भोग। कॉलेज में जाओ क्या मिलेगा, काम भोग बंध की कथा, ये कपड़े अच्छे होते हैं, ये खराब होते हैं, वो कलर अच्छा है, ये खाना अच्छा है, वो पीना अच्छा है। यानी आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि अनंत काल से काम भोग और बंध की कथा सुनने में आई है, परिचय में आई है और अनुभव में आई है। यानी रसगुल्ला बहुत अच्छा होता है, सुनने में आया, देखने में आया, हाँ ये रसगुल्ला ये बहुत बढ़िया होता है, परिचय में आया, अनुभूति खाने में आया, रसगुल्ला बहुत अच्छा होता है। ऐसे पांचों इंद्रियों के विषय को समझ लो आप, कि पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं हाँ इसमें ही डूबे हुए हैं। आप मोबाइल चला रहे हैं, क्या कर रहे हो, किसकी कथा चल रही है, अरे बोलिए ना, काम भोग बंद की कथा चल रही है। इसके अलावा कुछ और हो तो बताओ, कितने लोग मोबाइल में प्रवचन सुनते हैं, कितने लोग मोबाइल में समय सार सुनते हैं, कितने लोग मोबाइल में आध्यात्मिक भजन सुनते हैं, कितने लोग मोबाइल में तत्वार्थ सूत्र पढ़ते, कितने लोग हैं, मुश्किल से गिनती से दो चार लोग मिलेंगे, और बाकी तो सारे काम और भोग में लगे पड़े हैं, है ना। तो ये पांचों इंद्रियों के विषय, विषय चाह दव दाह जगत जन अरनी दछावे, ये मिल जाए तो खुश और ना मिले तो दुखी, कोई भी हो, चाहे कपड़े पहनने का हो, चाहे सूंघने का हो, डियोल किसका विषय है, इत्र किसका विषय है, खुशबू का विषय है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे बिना डियो लगाए नहीं निकलते घर से, उनके मम्मी पापा नहीं निकलते घर से। तो विषय चाह दव दाह जगत जन अरनिद जावे, मिल गया तो खुश, नहीं मिला तो दुख। लोगों को यही लगता कि शराब ही खराब है, शराब तो खराब है ही, उसमें तो कोई दो बत की बात है ही नहीं। किसी शराबी को शराब मिल जाए तो खुश और ना मिले तो दुख। शराब मिल गई तो ठीक, और तुमने नहीं पीने दी तो झगड़ा, ठीक है ना। नए कपड़े पहनने को मिल गए, शादी में जा रहे हो नए कपड़े खरीद दिए तो खुश, और नहीं मिले तो झगड़ा। कोई शराब के लिए झगड़ा कर रहा है, कोई कपड़े के लिए कर रहा है, किसी को फैशन का व्यसन है, किसी को शराब का व्यसन है, किसी को ब्यूटी पार्लर का व्यसन है,
किसी को सजने संवरने का व्यसन है, किसी को दिन भर खाने का व्यसन है, किसी को बात करने का व्यसन है, निंदा बुराई करने का व्यसन है, किसी को गाना सुनने का व्यसन है, सारी खोटी आदत है, सारी खोटी। शराब तो है ही, उसमें तो कोई दो मत है ही नहीं, लेकिन जो आप कर रहे हो वो भी सही नहीं है। आप इसको सही मानते हो, ये भी सही नहीं है। एक गुटखा खा रहा है, एक ब्यूटी पार्लर जा रहा है, कौन सही है बताओ भाई? जैसे हो वैसे रहो ना, जैसा कर्म ने तुम्हारा रूप बनाया है वैसा रहने दो ना। ये ब्यूटी पार्लर जा जाके क्यों इसको अलग दिखना चाहते हो? ब्यूटी पार्लर जाके कौन सी डिग्री मिलेगी? अरे बोलिए ना, कोई डिग्री देता है क्या? हैं, आपको कोई डिग्री मिल रही हो, फिर उससे कोई नौकरी वोकरी मिल जाए कि भाई ये बहुत सुंदर है और ये बहुत अच्छा ब्यूटी पार्लर में अपना करवा के आई हैं, तो ये बहुत सुंदर है, तो आज से इनको यहाँ पर जॉब पे रखा जाता है और 25,000 रुपये महीने, ये सुंदर है ना, इसलिए इनको 25,000 रुपये इनकी सुंदरता पे दिए जाते हैं। ऐसी कोई डिग्री है क्या? नहीं है। फिर काय को लगे पड़े हो? अच्छा, मैं गलत कह रही कि सही कह रही हूँ? यदि किसी ने इतना सा कह दिया बहुत सुंदर लग रही है, तो इसमें मिला क्या? इतनी तो नहीं कहता कि सुंदर नहीं है, लेकिन जितना समय आप इस सजने संवरने में लगा रहे हो, इतना समय यदि आप स्वाध्याय में लगा देते तो शायद लोग कह देते कि वास्तव में ये बहुत अच्छी हैं, इनको बहुत ज्ञान है और इनका धर्म में बहुत रुझान है। बोलिए हाँ या ना? कुछ लोग धर्मात्मा की हंसी भी उड़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो भगत आ रही है, ये तो बहुत भगत बन रहा है आजकल, ये तो बड़ा पुजारी बन रहा है आजकल, ये तो पंडित जी बन गया आजकल। वो अपनी कमी दबा रहे हैं, वो तुम्हें गलत नहीं कह रहे, वो पाप कर रहे हैं ना, वो अपना पाप दबाने के लिए तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं। हर व्यक्ति समझता है कि सही क्या है और गलत क्या है, हर व्यक्ति समझता है। समझने के बाद नहीं कर पाता है, इसीलिए वो तो कहता कि जब मैं नहीं कर रहा हूं तो तू कैसे करेगा, चल तू भी मेरी लाइन में आ जा। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक शराबी है तो दूसरे व्यक्ति को शराबी बनाना चाहता है, अपने मित्र को छोड़ेगा नहीं वो, ये थोड़ी सी तो पी ले, थोड़ी सी पी के देख तो सही, एक दिन मेरे साथ पैसा लग रहा है क्या तेरे को? मैं दे रहा ना पैसा, चल तू पी। वो डांटेगा, फटकारेगा और शराब पिलाएगा, ठीक है, एक दिन पिलाएगा, दो दिन पिलाएगा, फिर उसके बाद, और जब वो शराबी बन जाएगा, आह मज़ा आ गया। यानी हर व्यक्ति दूसरे को अपने जैसा बनाना चाहता है। एक नक्कटा था गांव में, तो सब लोग उसको नक्कटा नक्कटा कहते थे। उसको बड़ा गुस्सा आया, बोले सबकी नाक ना कटवा दी मैंने, तो मेरा नाम भी नक्कटा नहीं है। अब उसने कहा, एक दिन वो बाजार भरा हुआ था, ऊपर देखा, खुश हो रहा, चिल्ला रहा और नाच रहा, मुझे तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं, मुझे तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अब दूसरे बोले, मुझे तो नहीं हो रहे, अरे तेरी नाक बीच में आ रही है। दूसरा व्यक्ति धर्मात्मा बहुत था, तो उसने सोचा नाक कटवाने से यदि भगवान के दर्शन मिल जाए, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है नाक कटवाने से यदि भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो सबने मीटिंग करी और एक व्यक्ति की नाक कटवा दी और कहा, भाई अब देख तू ऊपर दर्शन हो रहे कि नहीं हो रहे। तो नहीं हुए, तो उसने उससे कहा नक्कटा से, बोले दर्शन तो हो नहीं रहे। बोले चुप रहे, तू नाच बोल कि तुझे दर्शन हो रहे, नहीं तो सब तुझे नक्कटा कहेंगे। अब धीरे 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 करके सारे गांव में नाक कटवा ली। अब वहाँ नाक वाला कोई बचा ही नहीं, अब कौन किसको नक्कटा कहेगा? यदि घर में एक धर्मात्मा हो तो उसे प्रताड़ित किया जाएगा, उसे टॉर्चर किया जाएगा, उसे व्यंग किए जाएंगे कि तू भी मेरे जैसे हो जा, हम नहीं देख सकते तू अलग रहे और हम अलग रहें, तू हमारे जैसे हो जा। अत्याग सबके बस की है नहीं, भोग तो सबके बस की है क्योंकि अनंत काल के संस्कार हैं।
तो इसी तरह से आज हर व्यक्ति दूसरे को अपने, जैसे रात में शादी होती है, अब आजकल की बहुएं खूब रात में खाती हैं, सासुएं भी खाने लगी हैं आजकल तो, हैं। अब यदि सारे लोग मिलकर के त्याग कर दें तो क्या होगा? फिर कोई कहेगा नहीं दूसरे को कहने वाला, ए तू रात को नहीं खाती, रहने तो दे, अपने यहाँ तो सब चलता है। बोले हाँ या ना, यानी केवल दिखाने दिखाने के लिए कितना अपना धर्म छोड़ा जा रहा है, कितने पाप कमाए जा रहे हैं केवल दिखाने के लिए। तुम्हारे अंदर की इच्छा नहीं है कि तुम रात को खाओ, तुम घर में नहीं खाते हो रात में, लेकिन शादी में जाके तुम खाते हो क्योंकि दिखाना पड़ता है। तो तुम्हारे दिखाने से वो सामने वाला खुश हो गया क्या? अरे बोलिए ना, तुमने रात को खा लिया तो क्या सामने वाले व्यक्ति को बड़ी प्रसन्नता हुई? नहीं, तुम शाम को खाते तो शायद प्रसन्नता होती है कि नहीं नहीं हमारी वो बहू है ना, वो रात को नहीं खाती है, उसकी व्यवस्था तो मुझे पहले करनी है ना। तो अपने जीवन में अच्छे संस्कार डालो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की बात याद रखो, ये अनंत काल के संस्कार हैं, इसीलिए वहाँ खिंच जाते हो। बात समझ में आई कि नहीं? बुरे काम के लिए, पाप के लिए जल्दी खिंच जाते हैं, और अच्छे काम के लिए मन बनाना पड़ता है, भाव बनाने पड़ते हैं, फिर भी हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। और पाप के काम के लिए भाव ना बनाओ, अरे बोलिए ना, तो भी हो जाता। कारण क्या है? आदत। क्या कारण है? आदत, संस्कार। नोट गिनने के संस्कार कब से हैं? परिग्रह इकट्ठे करने के संस्कार केवल इस जन्म के हैं क्या? जो घर में धन इकट्ठा कर रहे हो वो पहली बार कर रहे हो क्या? चींटी को देखा आपने? जो चींटी बनिया की दुकान में रहती है, उसके बिल को खोदना, चींटी की साइज कितनी बड़ी है? अच्छा, उसका पेट कितना बड़ा है? अच्छा, उसके उसका पेट कितनी चीज में भर सकता है? चावल के एक दाना नहीं, चावल की साइज की तो चींटी होती है। हाँ, उसका पेट होता कि चावल के एक कण में उसका पेट भर जाए, इतने में उसका काम हो सकता है। लेकिन जब उसके बिल को खोदोगे ना तो दो दो किलो अनाज मिलेगा। कारण क्या है? इकट्ठा करने के संस्कार। क्या है? इकट्ठा करने के संस्कार, पीने में जल का और छोड़ने में सीरियल का, घूमने में कार का, बिजली में तार का, और लेने में अच्छे संस्कार का, तीर्थों में गिरनार का, सप्ताह में वार का, और शास्त्रों में समय सार का, अनाज में दाना का, रिश्तों में नाना का, और आज आने में मंडाना का, चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में शांतिनाथ का, मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और सीरियल को छोड़ने का। स्वस्ति भूषण माता जी की, आज का एक बार स्वस्ति भूषण माता जी की, जय धर्म की।
सभी कार्यक्रम में हिस्सा लेकर के बहुत बढ़िया लग रहा है। ये क्षेत्र बहुत ही सुंदर है और विकासशील है। सबको मेरा माता जी को सबको नमस्कार। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज को।